स्वामी की जय। सुंदर गोपाल ब्रो थोड़ी सी बोल दो, थोड़ी सी बोल। मैं आपसे सुनेंगे ना, तैयार हो जाओ। नहीं नहीं, दो दो मिनट बोल, दो दो मिनट सुन, दो मिनट मैं थोड़ी बोल दूंगा, तुम दो मिनट पहले आप बोल दो, फिर तुम बोल दो ना। हाँ देखो, ये जो ठाकुर जी है, ये कवि जयदेव गोस्वामी का ये प्रतिष्ठित विग्रह है। कहते जो कवि जयदेव गोस्वामी, इनका जो ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ है? इनका ग्रंथ का नाम श्री गीत गोविंद ग्रंथ है इनका। और इन्होंने, और विशेष करके उन्होंने जो हमारे जो दशावतार जो अष्टक भी इनका ही रचित किया गया अष्टक है, जिसको सुन करके उस समय जो बंगाल के राजा था, देख करके इतने प्रसन्न, बड़े प्रसन्न हुए। और इनका भजन में इतने शक्ति, इनके भजन में जो जय जय देव हरे, हम लोगों ने जो भजन गाए, जब तक ही जगन्नाथ जी ये भजन को सुनते नहीं, तब तक उठते भी नहीं, और तब तक जगन्नाथ जी सोते भी नहीं। अभी भी जगन्नाथपुरी में जो देवदासी ये भजन को गाएगी, तब जगन्नाथ जी का ये शयन होता है, और तभी उठेंगे कि भजन को सुन करके ही वो उठते हैं। इसलिए गुरु जी सुनाते ना, कोई एक देवदासी को ये भजन याद था, और वो बैगन तोड़ते समय ये भजन को गा रही थी, और जगन्नाथ जी मंदिर छोड़ करके भाग गए, और ये भजन को सुनते रहे, और उनको पीछे 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 धीरे धीरे इनके पीछे पीछे चलते रहे। चलते चलते जगन्नाथ जी सारे कपड़े वपड़े सब फट गया, शरीर में भी कांटा की दाग आ गया, और जगन्नाथ जी आ जाकर चुपचाप सो गए। जब सवेरे जब पुजारी ठाकुर जी को उठाया, देखा सारे ठाकुर का कपड़ा फटे हुए, शरीर में सारे कांटा के सब दाग पड़ा हुआ, सब दाग पर दाग पड़ा हुआ इनके। तब उन्हें राजा को बुलाए, राजा भी भक्त है, राजा देख करके तो आश्चर्य में पड़ गए, ऐसे कैसे हो गया। जगन्नाथ जी के चरण में लेट गए, ठाकुर जी ये कैसे। तो जगन्नाथ जी स्वप्न दिया, बोले कोई चिंता मत करो, मेरी कोई एक देवदास थी, ये कवि जयदेव गोस्वामी का जय जय देव हर ये भजन गा रही थी, और बैगन तोड़ रही थी, और ये भजन में इतने शक्ति, अगर ये भजन कहीं हो पर मैं रह नहीं सकता हूँ, मेरे को तो दौड़ दौड़ कर वहाँ जाना पड़ता है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि ये भजन को मैंने सुना है, इसलिए दाग भाग की कोई चिंता मत करो। अभी भी उड़ीसा में राजा ने वहाँ पर आना सिमट गया, ये भजन को जहाँ तहाँ नहीं गानी चाहिए, वहीं पर ये भजन गाया जाए जहाँ पर श्री जगन्नाथ जी की विग्रह होगा, नहीं तो कृष्ण के विग्रह होगा, नहीं तो ठाकुर को कष्ट होता है। इसलिए अभी भी जगन्नाथपुरी में कहीं भी ये भजन नहीं गाई जाती, जहाँ तहाँ नहीं गाते हैं। जब अब देखेंगे जो उड़ीसा नृत्य होती है, इसी भजन के ऊपर नृत्य करते हैं, और सामने से जगन्नाथ जी सामने होते हैं, हैं? और जगन्नाथ जी का जो दोपटा है उसका अंदर में ये भजन लिखा हुआ रहता है, तब जगन्नाथ जी उस चादर को ओढ़ते हैं। और एक माता जी कार्तिक महीना में आई थी, एक उड़ीसा से, वो हर कार्तिक महीना में आती हैं, वो माता जी खुद बोल रही थी, एक एक तुलसी पत्ता में मैं एक एक श्लोक लिखती हूँ, वो माता जी बोल रही थी, मैं एक एक तुलसी पत्ता में एक एक श्लोक लिखती हूँ, और जगन्नाथ जी के जो गले में जो माला पहनते हैं, और बड़े बड़े तुलसी पत्ता होता है, कहते मैं ही लिखती हूँ उसमें ऊपर में। मैंने कहा मैं सुना था आप लिख रहे, सुनकर के मेरे को पूरा पूरा पक्का हो गया है। कहते जगन्नाथ जी वो गले में वो माला पहनते हैं, कहते मैं लिखती हूँ रोज़ रोज़ ये श्लोक मैं स्वयं लिखती हूँ। इसलिए इनकी जो भजन है, इतने इनके भजन में इतने प्रभाव, स्वयं जगन्नाथ जी उसको पहनते हैं अपना गले में। इसलिए कहते जो कवि जयदेव है, कहते जिस समय इनका, जिस समय उन्होंने अपना दिव्य दृष्टि से देखा, उन्होंने क्या दिव्य दृष्टि से देखा, कैसे श्री राधा रानी कृष्ण के पास में और कृष्ण राधा जी के पास में अपना जो सुख पक्षी को भेज करके बोले, श्री राधा रानी बोले आज यहाँ पर मैं ये कुंज बनाऊंगी यहीं पर। इसलिए श्याम सुंदर कहाँ पर आए, आए कुसुम सरोवर पर आए, वहीं पर एक सखी को राधा रानी दे दी, एक अपना हाथ में बनाया हुआ पान के बिड़िया, दो चंपक पुष्प, और राधा रानी के हाथ में बनाया हुआ बनवाला, बोले ये श्याम सुंदर को दे देना। जब श्याम सुंदर उसको पहने, गले में माला राधा जी का बनाया हुआ, फिर राधा रानी के हाथ की बनाया हुआ तांबूल जब कृष्ण खाए, और जो चंपक फूल कभी कभी कृष्ण कुंडल में धारण करते हैं, और चंपक पुष्प का रंग और राधा जी का रंग बराबर है, रंग उनकी एक ही है, राधा रानी की रंग जैसे उनका रंग है, और उसको दर्शन करते ही कृष्ण के अंदर में राधा रानी से मिलने का उनका अंदर दिव्य उत्कंठा जगी। तो उन्होंने कुसुम सरोवर पर सखाओं को वहीं पर छोड़ करके, आज मेरे कोई निमंत्रण में जा रहा हूँ, और उन्होंने कृष्ण जब आ रहे थे, इतने में
चंद्रावली का सखी पद्मा वो भी जानती है कृष्ण तो आए कहीं ना कहीं है, चंद्रावली भी सुंदर कुंज बना करके बैठी हुई और राधा रानी भी आज हाथों से कुंज बनाई श्रृंगार की। इतने में चंद्रावली का सखी पद्मा आकर बोले श्याम सुंदर हमारी जो सखी चंद्रावली आपके लिए सुंदर कुंज बनाए हम चलो। कृष्ण बहाना बना रहे थे नहीं आज हमारे कहीं निमंत्रण है। इतने में ठीक है इसलिए कहते चंद्रावली झट चंद्रावली आ गई बोले मेरे को पता आप कहाँ जाने वाले जोर जबरदस्त तो उनको लेकर चली गई। इतने में राधा रानी का जो सूप है जो श्री प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया उसने देख लिया देख करके बोले कृष्ण तो अपहरण हो गए। उन्होंने जा करके श्री राधा रानी को बोलते बोले देख राधे आज तुम्हारी श्रृंगार आज तुमने जो कुंज सजाया सबके सब बेकार हो गया क्यों कृष्ण तो बीच से किडनैप हो गए। इतने में राधा रानी दुर्जय मान कर लेती है जब दुर्जय मान करती श्याम सुंदर जब वापस आए हैं जब श्याम सुंदर वापस आए और राधा रानी बोली अब जहाँ से आए वहीं चले जाओ बोले तो मैं कहीं से आया नहीं बोले ये सिंदूर शरीर में कहाँ प्यार में लगा हुआ बोले तो आते समय कांटा चुभ गया खून है हैं बोले इतना लेट क्यों हुआ बोले आते समय तमाल वृक्षों के ऊपर एक माधवी लता को मैंने देखा माधवी लता देखकर तेरी स्मरण हुई और तमाल वृक्ष देखकर मेरे स्मरण हुआ हम दोनों का मिलन को देख करके मैं वहीं पर बेहस हो गया था। राधा रानी बोले मेरे सब कुछ पता है इसलिए हे नील रोहित नील मतलब कृष्ण का शरीर नील रोहित मतलब था उनका शरीर में ये सिंदूर लगा हुआ था रोहित लाल है इसलिए यहाँ आने का जरूरत नहीं अब वही जाओ। इतने में राधा रानी जब दुर्जय मान की कभी जब कभी जयदेव गोस्वामी अपना दिव्य नेत्र से देख रहे इतने में श्याम सुंदर कहते हैं स्मर गरल खंडनम मम शिरस मंडनम दही पद पल्लव पुत्र तभी उन्होंने ये श्लोक को लिखे हैं कैसे लेकिन जब उन्होंने श्लोक को लिख दिए लिख करके दही पद पल्लव मुदारम जब ये चीज को लिखने के लिए जा रहे थे बोले रे राधे तुम्हारे जो उदार चरणों को मेरे सर पर रखो। इतने में कवि जयदेव का गोस्वामी का है हाथ कांपने लग गया मतलब कैसे लिखूं जो परात पर परमेश्वर विश्व ब्रह्मांड का मालिक वो कैसे श्री राधा रानी के चरणों को सर पर कैसे ले सकते हैं ये असंभव है इसलिए उन्होंने कलम वहीं पर लिख दिए रख करके पद्मा को बोले मैं स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। कृष्ण स्वयं पीछे से आकर के बोले एक पद याद आ गया भूल नहीं जाऊँ कापी दे दो। कृष्ण स्वयं सोने के अक्षर में इसको पूरी करके गए। जब थोड़ी देर बाद में कवि जयदेव आए उनको पत्नी ने पूछा इतना जल्दी कैसे आ गया बोले ना मैं तभी से गया था बोले नहीं बीच में मैं आया था हैं बीच में आप आए थे लिख करके बोले बीच में आया नहीं बोले कापी लाओ देखा जो पद को वो नहीं लिख सके कृष्ण स्वयं सोने की अक्षर में लिख कर गए। बोले पद्मा तुम्हारी जीवन धन्य हो गया है वो और कोई नहीं कृष्ण ही राधा माधव भी मेरा रूप धारण करते हुए यहाँ पर आए थे तुम्हारे धन्य जीवन है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं देखो कभी जयदेव गोस्वामी को देखो और हमारे श्री श्री प्रबोधानंद सरस्वती हमारी गोस्वामी को देखो क्योंकि कभी जयदेव गोस्वामी वो लिख नहीं सके हैं वो लिख नहीं सके कैसे मैं लिखूं जे राधा रानी हैं का चरण को कृष्ण सर्प धारण करेंगे लेकिन हमारे प्रबोधानंद सरस्वती क्या कहते हैं बोले जत किंग करी सु बहु सौ खड़ुका तो बाणी नित्यम परस पुरुष शिखंड मौले जस्या कदा रसनिधे वृषभानुजाया तत्खेल भवनांगनी मार्जनी श्याम हैं। इसलिए जहाँ पर राधा रानी अपना सखियों को कुंज की बाहर खड़ी कर देती हैं बोले कोई काले व्यक्ति को अंदर में घुसने में दिया करना और कृष्ण आकर के बोले राधा रानी की बात छोड़ दो उनकी सखियों का चरण भी कृष्ण गिड़गिड़ाते हैं मेरे को थोड़ी सी आदेश दो जैसे राधा रानी के चरण में हाँ राधा रानी को दर्शन हो है ये कहते ये कितने हमारे जो गोस्वामी लोग उनका राधा रानी की आशीर्वाद से राधा रानी का पक्ष होने का नाते इनके अंदर में कितने आशीर्वाद इनके अंदर में कितने शक्ति है कृष्ण भी जहाँ गिड़गिड़ाते हैं इनकी मंजरियों के पास में राधा जी के पास में नहीं इनके सखी मंजरियों के पास में इतने शक्ति है इनके अंदर में। इसलिए ये कभी जयदेव गोस्वामी हैं कभी जब किस समय ये जब अपना घर बना अपना झोपड़ी बना रहे थे झोपड़ी बनाते समय कृष्ण स्वयं आ करके हैं कृष्ण उनके पत्नी के रूप में स्वयं आ करके कृष्ण उनको क्या भूसा दे रहे थे हैं भूसा दे रहे थे और वो जयदेव गोस्वामी उसको छप्पर को बना रहे थे कृष्ण स्वयं राधा माधव जी आकर के
जब उन्होंने आकर के देखा ठाकुर का सारा शरीर में काला पड़ा हुआ और जो झूसा ना ठाकुर शरीर में लगा हुआ है, बोले ऐसे कैसे? बोले ठाकुर स्वयं जा करके जब ये छप्पर बना रहे थे, ठाकुर स्वयं इनकी मदद कर रहे थे, उनकी झोपड़ी बनाने में ठाकुर स्वयं उनकी मदद कर रहे थे। और श्रीमन महाप्रभु जब गंभीरा में रहते थे, गंभीरा में रहते समय इनका जो पद्यावली को है, इनकी पद्यावली को उन्होंने आस्वादन करते थे, मतलब इनकी जो पद्यावली में इतने हाई फाई इनके अंदर में भाव है, इसलिए कहते कंसारी रपि संसार वासना बद्ध श्रृंखला राधा माधव हृदय तत्तेज ब्रज सुंदरी। ये जो श्लोक है राय रामानंद संवाद में जो श्लोक है, जब महाप्रभु प्रश्न कर रहे हैं, कह रहा है साध्यर निर्णय, जहाँ पर उन्होंने कर्म मिश्रा भक्ति, ज्ञान मिश्रा भक्ति, भक्ति फिर दास्य रस सख्य बात्सल्य मधुर, जब उन्होंने श्रृंगार रस की वर्णना किया, श्रृंगार रस में भी उन्होंने जब श्री राधा रानी की प्रेम का वर्णना किया, क्या बोले टाइम नहीं है, ओ ठीक ठीक जाक्षी हमारा हाँ, इसलिए उसी समय में ही कहते जो जब उन्होंने बोले राधा रानी हाँ कैसे राधा रानी कैसे चली गई, राधा रानी जैसे चली गई तो वहां पर बोले ऐसे कोई प्रमाण दो स्पष्ट रूप में राधा प्रेम का प्रमाणित हो, तो उन्होंने कभी जयदेव गोस्वामी का श्लोकों को उद्धृत किया है, कैसे श्याम सुंदर कैसे जब चले गए, राधा रानी कृष्ण कैसे कुंज कुंज में कैसे विरह में कैसे रो रहे, इसलिए पद इनकी इतने हाई फाई जो उसको महाप्रभु स्वयं आस्वादन करते थे। बोले श्री राधा माधव की जय, कभी जयदेव गोस्वामी की जय, पिता गौर प्रेमानंदे। पाँच मिनट बस चलो
क्या बनना फोटो लेगी इस तरफ में बड़े सुंदर इधर 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 खड़े हो जाते हैं फोटो आएगा इधर खड़े हो जाते हैं अपना फोटो लेकर व्हाट्सएप सब खड़े हो जाओ हो गया वो तो लाइव चल रहा हाय किसको बोल रहे दामोदर प्रभु होंगे दामोदर प्रभु होंगे क्या कौन दामोदर प्रभु पता नहीं कौन आया था दामोदर के नाम से अजीत प्रभु भी कौन आया था दामोदर